those who are directly servitors of the Lord are protected by the Lord from all fearfulness, and they also enjoy the best of things even if they are forcibly accumulated. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनको अभय दान देते हैं, फियरफुलनेस, वो बिना भय से रहते हैं. बजव हु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे. भगवान ऐसे भक्तों को अभय दान देते हैं और भगवान ऐसे भक्तों को फर्स्ट क्लास सामग्री देते हैं. एंजॉय द बेस्ट ऑफ थिंग्स, क्योंकि भगवान को लगता है कि मेरे भक्त को फर्स्ट क्लास चीज मिलने चाहिए. तो एक से एक नंबर वन चीज अपने भक्तों को भगवान दे देते हैं. द लॉर्ड इज इक्वल इन बिहेवियर टू ऑल लिविंग बीइंग्स बट इज पार्शियल टू हिज प्योर डिवोटीज बीइंग वेरी अफेक्शनेट देम. तो भगवान गीता में बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषु स्थिन प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. भगवान बोलते हैं, हालांकि मैं सब जीवों को समान दृष्टि से देखता हूँ, फिर भी बट जो मेरे भक्त हैं उनको मैं खास ध्यान रखता हूँ, स्पेशल अफेक्शन. तो ये स्वाभाविक है, जो पिता है उसके अगर बहुत सारे पुत्र हैं, जो पुत्र नेचुरली पिता का सुनता है उसका जो स्वभाव है मधुर है, वाम्य स्वभाव का है, ऐसे पुत्र के और पिता का प्रेम ज़्यादा बढ़ता है. तो भक्त अपने लिए कुछ चाहता नहीं है, फिर भी कृष्ण सोचते हैं मेरे भक्तों को सब कुछ मिलना चाहिए. तो इसलिए जिनको लगता है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो काली हाथ लौटते हैं, ऐसा नहीं है. जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान चप्पर फाड़ के देते हैं ऐसे भक्तों को.